वेलकम, हेलो और नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आज कुछ खास बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। और इस स्वीट डेजर्ट के लिए सबसे पहले आपको 3 कप रवा भून लेना है और फिर एक कढ़ाई रखें। उसे गर्म होते ही उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालने हैं। फिर इसमें ऐड करना है 1 बोल रोस्टेड सूजी और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं ऐसे। और फिर एक ग्लास लेना है, इसमें लेना है ये ऑरेंज फूड कलर और फिर इसमें ऐड करना है ये केसर एसेंस और 1 ग्लास नॉर्मल वाटर। अब ये ऑरेंज सिरप रेडी है और फिर इस सूजी में ऐड करना है शुगर। फिर इसे लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट ऐसे ही मिक्स करते हुए भून लें। और फिर अब इसमें ऐड करते हैं ये ऑरेंज सिरप। फिर इसे 5 मिनट लो फ्लेम पे ऐसे ही मिक्स करते हुए बनाते रहें। ये हमारे स्पेशल डेजर्ट की फर्स्ट लेयर रेडी हो रही है, जिसमें आपको केसर का बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। ध्यान रहे, फ्लेम आपको बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है, ये लो फ्लेम पे ही रेडी होगा। ये देखिए, अब ये लेयर अच्छी तरह से रेडी हो गई है। तो अब इसे डिश आउट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रे लेना है, ये देखिए। अब इसके अंदर देसी घी अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे ये डेजर्ट इसमें काफी आसानी से सेट हो जाता है। तो ये देखिए, अब ये रेडी है। अब ये फर्स्ट लेयर इसमें अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे सेट कर देते हैं। ये देखिए, अब ये काफी अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब इसे कवर कर देते हैं। अब फिर रेडी करते हैं दूसरी लेयर। फिर कढ़ाई गरम करना है और इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालते हैं। और ये घी गरम होने पे इसमें ऐड करना है ये बॉइल्ड आलमंड। इसे अच्छे से इस घी में भून लेना है, जिससे इस सेकेंड लेयर में आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिल जाता है। और फिर इसमें ऐड करना है 1 बोल रोस्टेड सूजी और लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भूनना है। फिर इसमें ऐड करते हैं शुगर। अब इसे मिक्स करते हुए 2 मिनट फिर से भून लेते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए, स्पेशल डे के लिए स्पेशल रेसिपी। और फिर अब इसमें ऐड करते हैं 1 कप कोकोनट पाउडर और मीडियम फ्लेम पे ही इसे मिक्स करते हुए 2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें ऐड करना है 1 ग्लास मिल्क और फिर इसे लगातार मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे इसे बनाना है। ये सूजी काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको इसे फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। और इस सेकेंड लेयर में आलमंड, कोकोनट और मिल्क का बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिल जाता है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अब इस सेकेंड लेयर को इसमें सेट करना है। ये बहुत ही आसानी से इसमें सेट हो जाता है। आप इसके लिए राउंड ट्रे भी यूज कर सकते हैं, मैंने ये स्क्वायर ट्रे यूज किया है। ये देखिए, अब ये सेकेंड लेयर अच्छी तरह से इसमें सेट हो गया है। तो चलिए अब बनाते हैं थर्ड लेयर और फिर इसे कवर करके रख दें। अब एक ग्लास लेना है और इसमें लेना है ये ग्रीन फूड कलर और फिर इसमें ऐड करना है 1 ग्लास नॉर्मल वाटर। और फिर कढ़ाई रख दें लो फ्लेम पर और इसमें ऐड करें 2 बड़े चम्मच देसी घी। और घी हल्का गर्म होने पे इसमें ऐड करते हैं ग्रीन इलायची पाउडर 1 चम्मच और फिर इसमें ऐड करना है 1 बोल रोस्टेड सूजी। अब इसमें ऐड करें शुगर और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है।
ये देखिए अब ये रेडी है। तो अब इसमें ऐड करते हैं ये सिरप। आप स्वीट डेजर्ट में पाउडर बेस कलर या लिक्विड बेस कलर दोनों ही यूज कर सकते हैं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे मिक्स करते हुए बनाते रहें सिर्फ 5 मिनट। और इस थर्ड लेयर में आपको इलायची का बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। अब इसे लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए अच्छे से बना लें। ये देखिए अब ये रेडी हो गया है। तो अब इसे डिश आउट करते हैं और इसे ट्रे में सेट करते हैं। है ना बहुत ही इजी रेसिपी और साथ ही बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ये देखिए अब ये काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब ये सेट होने के बाद इसे मैं एक दूसरे ट्रे में रिमूव करूंगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये देसी घी से थोड़ी सी ब्रशिंग करते हैं और फिर इसका साइड कॉर्नर को नाइफ से अच्छे से कट कर लेते हैं, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। फिर अब ये ट्रे इस बॉक्स पे रख के इसे टर्न कर देते हैं ऐसे। अब इसे ऊपर से ऐसे टैप कर देते हैं जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। अब ये डेजर्ट रेडी है। अब इसे गार्निश कर देते हैं पेटल्स विद शुगर। और अब ये स्पेशल डेजर्ट रेडी है। अब इसे सर्व कर सकते हैं स्पेशल डे के लिए स्पेशल रेसिपी। तो अब आप करें इंतजार, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।